सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको रियलिस्टिक हेयर बनाना सिखाऊंगा कि आप आपके स्केच में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लेनी है न्यूट्रल पेंसिल, जो है कि यह है चारकोल की। मैंने ये पूरी चारकोल से बनाई है। तो सबसे पहले आपको फीकी फीकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक एक हेयर ड्रॉ करना है, जिससे कि आपकी अच्छी ड्राइंग बनेगी और आपकी लाइंस दिख जाएगी, इसलिए आप डार्क उसको कर सकते हैं। फिर ऐसे करके हमको उसको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडिंग ब्रश से। फिर मैं हार्ड पेंसिल लूँगा, उसके ऊपर और करूँगा, फिर उसको भी ब्लेंड करूँगा, जिससे कि और हमारा टच आएगा। फिर और हाँ, एक बात और, अब इसमें ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मत कीजिए, ब्लेंडिंग ब्रश का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे बिगड़ जाएगी। मैंने ये हार्ड पेंसिल भी यूज़ की। फिर सॉफ्ट पेंसिल चारकोल की यूज़ करनी है, जिससे कि और डार्क हो जाएंगे हमारे, और जो शेडोज़ है और हाइलाइट्स है उन दोनों को माइंड में रखते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे। और रेफरेंस की इमेज लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड कर लेना। तो फिर हमने इसको भी किया, फिर हम उससे ब्लेंड करेंगे। और फिर जो हमारे नीचे से शेडो आते हैं और जो कर्व होता है जो हेयर में, उससे ये वो इस सॉफ्ट पेंसिल से दिखेगा नीचे, क्योंकि हम डार्क करेंगे। और फाइनल टच के लिए हम मोनो जीरो इरेजर, या आपके पास नेडेबल इरेजर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं फाइनल टच। और फाइनल टच को भी ब्लेंडिंग ब्रश से हमको ब्लेंड करना है, ताकि और रियलिस्टिक दिखे। फिर लास्ट में हम और उसको करेंगे, मतलब एकदम से समझ में नहीं आएगा, आप एक बार ट्राई कीजिए, ड्रॉ कीजिए, फिर आपके प्रैक्टिस से आपको सही से पता चल जाए कैसे बनता है। और प्रैक्टिस इज मेन, मैंने भी एक बार प्रैक्टिस की थी, फिर मैंने ये बनाया। सो ये था कुछ बेसिक सा हेयर का। और हाँ, मेन जो लास्ट में जो बाहर के साइड हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो भी बनाना ज़रूरी है, इससे और अच्छी लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।